हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे एक बहुत ही खूबसूरत नाचने वाले पक्षी ग्रे क्राउंड क्रेन के बारे में। ग्रे क्राउंड क्रेन पूर्वी और दक्षिणी अफ्रीका, केनिया, जिम्बाब्वे में ज़्यादातर पाई जाती है। यह एक सर्वाहारी पक्षी है। यह अपने आहार में छोटे पौधे, घास, फल, फूल, कीड़े मकोड़े, टिड्डियाँ, छिपकली, मेंढक और केकड़े खाती है। ग्रे क्राउंड वाली क्रेन लगभग 1 मीटर लंबी होती है। इसका वजन लगभग 4 किलोग्राम होता है और इसके पंख लगभग 2 मीटर लंबे चौड़े होते हैं। इसके शरीर का रंग ग्रे व इसके पंख मुख्य रूप से सफ़ेद होते हैं, लेकिन इनमें कई रंगों के पंख होते हैं। इनका सिर पर कड़े सुनहरी पंखों का एक मुकुट होता है। चेहरे के किनारे सफ़ेद होते हैं और इनके गले पर लाल थैली होती है। पैर बड़े और काले रंग के होते हैं। ग्रे क्राउंड क्रेन में नर क्रेन बड़े होते हैं, जबकि मादा क्रेन का आकार नर क्रेन के शरीर के आकार की तुलना में छोटा होता है। ग्रे क्राउंड क्रेन अफ्रीकी मूल का एक पक्षी है। यह न केवल युगांडा का राष्ट्रीय पक्षी है, बल्कि इसे अफ्रीकी क्राउंड क्रेन, गोल्डन क्रेस्टेड क्रेन, गोल्डन क्रेन, ईस्ट अफ्रीकन क्रेन, साउथ अफ्रीकन क्रेन के नाम से भी जाना जाता है। इस पक्षी की 2 प्रजातियां पाई जाती हैं, ब्लैक क्राउंड क्रेन और ग्रे क्राउंड क्रेन। दोनों ही प्रजाति की क्रेन चंचल होती हैं और दोनों ही प्रजाति को नाचना व कूदना बहुत पसंद है। नाचना इनके जीवन का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। यह नाचने के लिए किसी भी मौसम का इंतज़ार नहीं करते। जब भी यह खुश होती हैं, नाचने लगती हैं। ग्रे क्राउंड क्रेन ज़्यादातर नदियों और झीलों के पास दलदल, खेती योग्य भूमि और घास के समतल क्षेत्रों में ज़्यादातर पाई जाती हैं। इनमें काले मुकुट वाली क्रेन पेड़ों में भी घूम सकती है, क्योंकि इसकी लंबी हिंद पैर की उंगली के कारण यह पेड़ों की शाखाओं को मजबूती से पकड़ लेती है। ग्रे क्राउन वाली क्रेन में एक प्रजनन प्रदर्शन भी होता है, जिसमें यह नाचती, कूदती और झुकती है, तथा यह एक धमाकेदार आवाज़ भी निकालते हैं। मादा और नर दोनों क्रेन साथ में नाचते हैं। जब यह ऐसा करते हैं तो यह एक बड़ा झुंड बना लेते हैं। इनके झुंड में लगभग 40 से 150 क्रेन शामिल होते हैं और यह प्रजनन के सीजन से पहले ही जोड़े बना लेते हैं। वह ये जोड़े एक दूसरे को पसंद करके अपने रिश्ते को मजबूत बनाते हैं और फिर रहने के लिए पानी के आसपास अपने घोंसले बनाकर संबंध बनाते हैं। मादा क्रेन 2 से 4 अंडे देती है। इन अंडों से चूजे 1 महीने के बाद निकलते हैं। इनके चूजे विकसित होते हैं। यह अंडों से बाहर निकलने के 10 घंटे बाद ही तैरने लगते हैं और 1 ही दिन बाद खाना भी शुरू कर देते हैं। ग्रे क्राउंड क्रेन का औसतन जीवन काल लगभग 25 वर्ष होता है।